तो जी बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूँ पुर्तगाल इमिग्रेशन के हवाले से कि जिन लोगों को ईमेल नहीं आ रही थी या रेजिडेंस कार्ड नहीं आ रहे थे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। और वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, चैनल को जल्दी से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पता है मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और आप लोगों के लिए मेहनत भी बहुत करता। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पुर्तगीसी का एक लफ्ज़ भी सिखा दूँ। मिसाल के तौर पर आपने कहना है कि हाँ भाई मैंने ये दरवाज़ा खोला है, ठीक है, तो मैं कहूँगा यू अब्रो ए पोर्टा, ओके आई ओपन दी डोर। और जब मैं अपने दरवाजे को लॉक करता हूँ कि आई लॉक माई डोर, तो मैं वो पुर्तगीसी में कैसे बोलूंगा, यो यो मेन होता है आई, मैं यू त्रंको ए पोर्टा, ओके त्रंको मीन के लॉक होता है। और पोर्टा क्या है, पोर्टा दरवाजे को हम पुर्तगीसी में बोलते हैं। थोड़ी सी सीख लो तुम्हारे काम में आ जाएगी। एनीवे सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, मैंने अभी ये वीडियो भी पोस्ट की थी, मैं यहीं पे वीडियो शूट कर रहा था। तो यहाँ पे जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तो कुछ तीन इंडियन भाई भी गुजरे थे, तो उनको भी ईमेल आई है। उनकी ईमेल कब की थी ये आप लोगों को बता दूं। और इससे पहले ये बता दूं कि पुर्तगाल में जब आप लोगों को ईमेल नहीं आती ना, तो तुसी लोग ना परेशान थे, हक्के बक्के थे, तुसी भी स्टाफ ही हो जाते हो और आपको लगता है कि बस अभी पता नहीं क्या होने जा रहा है, क्या होगा। तो यार जब आपको ईमेल नहीं आती तो पुर्तगाल आइमा वाले अंदर अंदर अपना काम कर रहे होते हैं, वो इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे होते हैं, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है सितंबर वालों को। सितंबर वालों को ठीक ठाक उन्होंने जलील किया, क्योंकि सितंबर वालों को कुछ लोगों को ईमेल आ गई थी और कुछ लोगों को नहीं आई थी। बाद में बेजा जो आउट ऑफ लिस्बन में है उनका मसला स्टार्ट हुआ, और फिर उनके साथ भी सेम हुआ कि कुछ लोगों को आ गई और कुछ लोगों को नहीं आई। तो अभी आज की न्यूज़ क्या है, ये आप लोगों को बता दूँ कि ये भाई का कमेंट्स भी आया हुआ था कि इनकी जो पुरानी ईमेल जो कैंसिल हुई थी वो 10 सितंबर की थी सेतुबल की। बाद में अभी इनको आज ईमेल आई है जो बायोमेडिक्स की इनको मिली है, ये इनको मिली है 30 अक्टूबर की, ओके। और जो इंडियन भाई जिनकी मैं बात कर रहा था उनका भी आपको बता दूं, उनको तो आइमा वालों ने और पहले दे दी है। उनकी जो पुरानी डेट थी वो 29 नवंबर की थी, और अभी उनको जो नई डेट बायोमेडिक्स की मिली है वो उनको मिली है 29 अक्टूबर की। मतलब कि आइमा के पास अगर थोड़ा सा टाइम होता है तो वो लोगों को और भी जल्दी, ये नहीं कि हाँ अगर आपकी पुरानी थोड़ा लेट थी तो आइमा अगर चाहे तो आपको और पहले भी ईमेल सेंड कर सकती है, जैसे कि इन इंडियन भाई को की। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि मंगल बुध जुमेरात को आप लोगों को ईमेल आ सकती है, और शुक्र है अल्लाह का आप लोगों को ईमेल आना स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कमेंट्स किए हैं कि सलमान हमें अभी भी ईमेल कुछ लोगों को नहीं आई, कुछ लोग कमेंट्स में भी लिख रहे हैं कि हाँ भाई हमें ईमेल आ गई है। तो आप लोग भी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, ईमेल तो यार सबको ही आनी है, लेकिन अगर फिर भी किसी को ईमेल नहीं आती, जैसे कि एक लेडी ने मुझे मैसेज किया था कि सलमान मेरे हस्बैंड पुर्तगाल में होते हैं तो उनको भी ईमेल नहीं आई, तो यार हो सकता है कि आपको भी अगले हफ्ते तक ईमेल आ जाएगी। लेकिन प्लीज़ आप अपना अपना पोर्टल चेक करें, आपको ईमेल सितंबर वालों को ज़रूर अभी आई होगी, और भी नवंबर वालों को भी ईमेल आना स्टार्ट हो गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जो लोग आउट ऑफ लिस्बन में हैं, जैसे कि बेजा हो गया या दूसरे सिटीज़ में हैं, तो यार उन लोगों को लास्ट वीक ईमेल आ गई थी, लेकिन जिन कुछ लोगों को अभी तक नहीं आई तो आप लोग भी थोड़ा सा सब्र रख लें, इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक बहुत ही ज़्यादा होप है कि ईमेल आ जाएगी। और अगले हफ्ते मैं आपको वही वेट करने का बोलूँगा कि बुध जुमेरा जुम्मा, इन्हीं दिनों में इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा होप है कि ईमेल स्टार्ट हो जाएगी। और जिस जिसको ईमेल आ जाए तो दसिया भी करो, तो ईमेल आ जाती है ना तो नाल ही तुम चुप हो जाते हो, तो इससे यार दूसरों की भी हेल्प होती है। और आपको टीआरसी कार्ड की भी अपडेट दे दूं कि लोगों के अभी कार्ड आना भी स्टार्ट हो गए हैं। एक इंसान का कल आया था कार्ड इवोरा आइमा से, ठीक है, इवोरा की सेफ से वहां से आया उसको, और कोर्ट केस नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल था। एक इंसान का लिस्बन लोजा वन से रेजिडेंस कार्ड आया है, जो कि वो भी नॉर्मल था, लेकिन उसको उसका जो कार्ड मिला है वो 3 महीने और 15 दिन बाद मिला है, ठीक है, लोजा वन से। और एक और इंसान है जिसका सेतुबल से उसको रेजिडेंस कार्ड मिला है, जो कि 1 महीना और 28 दिन बाद मिला है। तो ऐसा ऐसा थोड़ा सा वो लोगों को कार्ड भी दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट केस भी थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक है, आप लोगों को कार्ड उन्होंने देना ही देना है, क्योंकि अभी पुर्तगाल के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, और उनका फोकस है कि जितनी जल्दी हो सके ये पेंडिंग केस हम खत्म करें। बाकी मुझे दुआओं में याद रखें, होप कि आपको इस गुड न्यूज़ से काफ़ी तसल्ली मिल गई होगी, क्योंकि आप लोग मुझे प्यार भी बहुत देते हो, तो उसी वक्त कोशिश करता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को अपडेट दूँ। बाकी अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।